दोस्तों, जब भारत के सबसे अमीर आदमी के बारे में पूछा जाता है तो बच्चा बच्चा मुकेश अंबानी का नाम चिल्लाने लगता है। लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। इंडिया टुडे की 2 अप्रैल को प्रकाशित की गई न्यूज के मुताबिक गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, यानी कि उन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। जिसके बाद 3 मई 2022 की एक और रिपोर्ट में बताया गया कि गौतम अडानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। जब यह हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। कई लोगों ने कहा कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, तो कुछ लोगों का कहना था कि इनके सिर पर मोदी जी का हाथ है। लेकिन असली सच क्या है, ये सिर्फ आपको हमारे वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, देश में कोई भी बड़ी वारदात होती है तो उसका राजनीतिक मुद्दा तो बनना ही होता है, और ठीक ऐसा ही गौतम अडानी के केस में भी देखा गया, जहां अपने एक भाषण में राहुल गांधी ने ये तक कह डाला कि मोदी ने 45,000 एकड़ की जमीन अडानी को 1 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से दे दी है। अब राहुल गांधी की बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो हम आपको बताएंगे, पर आइए गौतम अडानी की जिंदगी के कुछ खास पन्नों को खोलकर देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां इनके 7 भाई बहन थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए अडानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में ही कॉलेज छोड़ दी क्योंकि इन्हें पढ़ाई से ज्यादा बिजनेस में इंटरेस्ट था। कॉलेज से ड्रॉप आउट करने के बाद अडानी व्यापार के बेहतर अवसर ढूंढने के लिए मुंबई आ गए, जहां इन्होंने एक डायमंड की शॉप में नौकरी की। लेकिन काम करने के दौरान ही इन्हें समझ में आ गया कि इस काम को करके तो अडानी एक बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी डायमंड वाली नौकरी के पूरे धंधे को समझकर जावेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज की शुरुआत की। अपने इस काम से अडानी ने अच्छा पैसा तो कमाया, लेकिन बड़ा खेल खेलना तो अभी बाकी था। और इस चीज का सबसे बड़ा मौका गौतम अडानी को तब मिला जब इनके बड़े भाई ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री शुरू की, जिसे मैनेज करने के लिए उन्होंने सबसे पहले गौतम अडानी से बात की। और अपने भाई का बिजनेस मॉडल सुनकर गौतम अडानी का गुजराती दिमाग काम करने लगा। असल में इनके भाई की फैक्ट्री को हर साल 20 टन PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की जरूरत थी, और भारत का IPCL इतना नहीं दे पाता था। तो गौतम अडानी ने सोचा क्यों न इस मार्केट में कदम रखा जाए, जिसके बाद उन्होंने कांदला पोर्ट के जरिए प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स को इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर तो इन्होंने कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया और तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ाते चले गए। 1993 में गुजरात गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज के सामने मुंद्रा पोर्ट को ऑपरेट करने का प्रस्ताव रखा, और 1995 में अडानी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया। यह अडानी की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव था, जहां आज भी यह भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है, जो रातों रात हवा में इतना बड़ा नहीं हुआ। इसके पीछे भी अडानी ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि जब अडानी को मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तब वो रेलवे लाइन से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन जो गवर्नमेंट के बाकी 12 पोर्ट्स थे उन सबका कनेक्शन रेलवे लाइन से हो रहा था। इसलिए सबसे पहले तो अडानी ने अपने सारे बिजनेस मुंद्रा पोर्ट के आसपास सेट कर दिए। उसके बाद 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और अपने इस पोर्ट को भी रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने के बाद इनका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद अडानी ने एनर्जी सेक्टर में आने का फैसला किया, और आज इनकी यही कंपनी भारत की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जिसकी जनरेशन कैपेसिटी 12,540 मेगावाट है। इतना ही नहीं, ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी सोलर प्रोड्यूसर भी है। और फिर 1999 में अडानी ने कोयले के सेक्टर में भी कदम रख दिया। इन सबसे चैन नहीं मिला तो अडानी खाने के ब्रांड्स में भी आ गए, जैसे कि फॉर्च्यून के तेल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, वनस्पति ऑयल के साथ भी इनकी कंपनी अलग अलग तरह के तेल बनाती है। अडानी के बिजनेस को सबसे बड़ी छलांग 2012 के बाद मिले, जहां उन्होंने अलग अलग सेक्टर में एंट्री ले। अगर हम इनके बड़े बिजनेस की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो 7 एयरपोर्ट्स आते हैं, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट भी इन्हीं का है। और अभी अडानी ग्रुप में 7 ऐसे लिस्टेड कंपनियां हैं जिनके शेयर्स आम जनता खरीद सकते हैं। दोस्तों, अडानी की पूरी जर्नी देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में ग्रो किया है, लेकिन बिजनेस चलाना इतना भी आसान नहीं होता है। इनकी जिंदगी में 2 ऐसे बड़े इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने अडानी को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले तो 1997 में गौतम अडानी और शांतिलाल पटेल अपनी कार में जा रहे थे, तभी 2 लोग स्कूटर पर बैठ के आए और उन्होंने गन पॉइंट पर इन दोनों को रोककर किडनैप कर लिया और एक ऐसी जगह पर ले गए जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। किडनैप करने वाले लोगों का कहना था कि अगर उन्हें $1.5 million नहीं दिए गए तो वो इन्हें मार देंगे, लेकिन किस्मत से किडनैपर्स का दिमाग अचानक ही ठिकाने आ गया और उन्होंने इन लोगों को छोड़ दिया। लेकिन अभी सबसे बड़ा कांड होना तो बाकी था, क्योंकि 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ तो बदकिस्मती से ताज होटल के अंदर गौतम अडानी भी मौजूद थे, जो अटैक के टाइम पर बेसमेंट में छुप गए। वो तो भारत की सेना ने जब सब कुछ संभाल लिया और अडानी की जान बच गई। दोस्तों, गौतम अडानी की तुलना हमेशा मुकेश अंबानी से होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही उम्र के हैं और दोनों ही बहुत अमीर हैं। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का कोई मेल नहीं है, क्योंकि गौतम अडानी तो धीरू भाई अंबानी के लेवल के हैं
जहां सबसे पहली चीज तो धीरू भाई अंबानी की तरह गौतम अडानी ने अपने दम पर पूरा बिजनेस खड़ा किया है, न कि अपनी पिछली पीढ़ी के बिजनेस को आगे बढ़ाया है। और जिस तरह धीरू भाई अंबानी ने अपने बिजनेस धीरे धीरे बढ़ाने शुरू किए थे, उसी तरह गौतम अडानी भी एक बिजनेस में नहीं रुके और उसे लगातार बढ़ाते चले गए। वैसे आपकी नजरों में ज्यादा कौन सफल है, गौतम अडानी या फिर धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी? जवाब कमेंट में देना मत भूलिएगा। दोस्तों वो कहते हैं ना कि इंसान जितना ज्यादा आगे बढ़ता है, लोग उसे उतना ही पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। ठीक ऐसा ही अडानी के साथ भी हुआ। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने भरी सभा में कह डाला कि सरकार ने अडानी को ₹1 में 1 मीटर स्क्वायर जमीन दी। जब ये सवाल अडानी से पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही दमदार जवाब देते हुए कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, हमने इससे भी सस्ते दाम में जमीन खरीदी है और हमारा कोई जमीन का व्यापार नहीं है, बल्कि हम एक बंजर जमीन के ऊपर अपना पैसा खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसकी वजह से उस जमीन और उसके आसपास के एरिया की कीमत बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, जब 2018 में कई सारे एयरपोर्ट्स को प्राइवेट किया गया तो उसके जस्ट पहले नियम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था, जिसमें यह साफ बताया जाता है कि जो कंपनियां एयरपोर्ट्स के लिए बोली लगाएंगी, उनका पहले से एयरपोर्ट की फील्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फायदा अडानी ग्रुप का हुआ, जहां इस नीलामी में उन्होंने 6 एयरपोर्ट्स को अपने नाम कर लिया। अब ये सब कुछ अचानक से गौतम अडानी के पास कैसे पहुंच गया, इस चीज को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई और लोग कहने लगे कि अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई कनेक्शन है, तभी तो अडानी को सरकार मदद कर रही है। लेकिन जब इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि आप बताओ क्या मोदी सरकार ने आपको कभी डायरेक्ट फेवर किया है, इस सवाल पर गौतम अडानी साफ इनकार करते हैं और कहते हैं मुझे तो छोड़िए, मोदी जी ने आज तक किसी को भी फेवर नहीं किया। और अगर हम अडानी के दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी होने के बारे में बात करें तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, ये ज्यादा लंबे समय तक इस पोजीशन पर टिके नहीं रहेंगे। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अडानी एंटरप्राइज का पीई 200 से भी ऊपर है, अडानी ग्रीन एनर्जी का पीई 700 से ऊपर है, और ठीक ऐसा ही इनकी बाकी इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिलता है। अब कई लोग सोचेंगे कि भला ये पी क्या है, तो दोस्तों ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिए कि पीटर लिंच नाम के एक फेमस इन्वेस्टर हैं, जिनका कहना है कि कंपनी की वैल्यू नॉर्मल तब है जब उसका पी कंपनी की अर्निंग ग्रोथ के बराबर हो, और अडानी की कंपनी की ग्रोथ उनके पी से बहुत कम है, यानी कि कंपनीज महंगी हैं, और अगर कंपनी महंगी है तो कभी न कभी कंपनी अपने असली दाम पर वापस आएगी और तब इनके शेयर के प्राइसेस घट जाएंगे, जिसके बाद अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों के लिस्ट में 5वें नंबर की पोजीशन पे कायम नहीं रह पाएंगे। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी अकेले इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके उसे इन ऊंचाइयों तक पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं है, जिसके चक्कर में अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है और इन्होंने वॉरेन बफे और गूगल के फाउंडर्स तक को पीछे छोड़ दिया था। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी की हिम्मत से संभव हो पाया है, जहां उन्होंने रात दिन एक करके अपने बिजनेस को न केवल बढ़ाया बल्कि हर एक फील्ड में बेहतर परफॉर्मेंस करके ये दिखा दिया कि गुजराती दिमाग कैसे पूरे देश की काया पलट सकता है। बाकी दोस्तों आपका गौतम अडानी जैसी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना ना भूलें, और ऐसे ही जानदार और शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें।